हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का कुछ डिलीवरी एंड डिस्पैच अपडेट्स। परसों मैं एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें जो एलॉय व्हील टूट गया था उस कंपनी ने बोला इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, लेकिन बेंगलुरु टीम आने के बाद में उसका क्या फैसला हुआ, उसके बाद कुछ सब्सक्राइबर का सवाल का मैं जवाब आज का वीडियो में आप लोग शेयर करना चाह रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट में। अभी भी 70% आदमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक सब्सक्राइबर ने एक मैसेज पोस्ट किया था, सर आप काली ओला का बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं और कोई वीडियोज़ बनाने से चैनल का ग्रोथ होता करके। उनका बात 100% सही है, लेकिन मेरा जो ड्यूटी टाइमिंग्स है 9 to evening 6 to 7 है, और संडे भी हॉलिडे नहीं रहते, इसी के चलते नहीं हो पाते मेरा वीडियो बनाना। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा। और एक बात है, मैं एक ही कंटेंट में 10,000 सब्सक्राइबर्स मैं गेन करना चाहता हूँ, यदि आप लोग चाहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद ये भी एक रिकॉर्ड होते हैं, एक कंटेंट के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर अभी तक कोई नहीं बनाया। चलिए पूरा आप लोग के ऊपर है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं परसों एक दिल्ली से भाई साहब ने अपना सब्सक्राइबर ने वीडियो भेजा था, इसमें इनका एलॉय व्हील जॉइंट से क्रैक हुआ था, इसमें ट्यूब नहीं रहता है, ट्यूबलेस टायर की वजह से हवा निकल जाता था। पहले ओला बोला आप इंश्योरेंस क्लेम करिए, आपको मतलब नया व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन बेंगलुरु का जो टीम आके फैसला किया है ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको हम नया रिप्लेस करके दे करके उन्होंने आज मेरे को मैसेज किया था, मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। इस तरह कोई बड़ी प्रॉब्लम होता है तो ओला ये तो कस्टमर का साथ सपोर्ट रहा है, लेकिन थोड़ा काम लेट होता है इनका, धीरे से होता है, लेकिन जो भी प्रोसीजर है बड़ा प्रोसीजर बना हुआ है, ये बेंगलुरु में जाएगा, बेंगलुरु सेट ऑफिस से जो भी वो फैसला लेगा उसके बाद ही आपको कुछ भी काम है ठीक करेगा। लेकिन जो सर्विस सेंटर में जो भी बैठते हैं उनका हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो आदेश के अनुसार भी चेंज करता है, क्योंकि मेरा साथ में भी ऐसे हुआ था। एक स्कूटर का जो हमारा स्कूटर का जो सीट का एक नट टूट गया था भाई, मैन्युफैक्चरिंग नट अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, मतलब होता नहीं है, उसके लिए क्या किया बेंगलुरु से कॉल किया था, बेंगलुरु से फिर नया सीट डालने परमिशन दिया, उसके बाद वो डाल के दिया था। एक जो भी कार्रवाई होती है बेंगलुरु से अप्रूव लेके होता है, लेकिन ये सर्विस सेंटर में मिनिमम एक इंचार्ज होता है, उनको पावर देना चाहिए छोटा मोटा बात के लिए, हर बार बेंगलुरु को कांटेक्ट करके वहाँ से फिर आके करने में तो बहुत लंबा समय लग जाता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी आदमी को काफ़ी जगह से स्कूटर को रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करके लेके जाके चेक करा रहे हैं इसका बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है क्या है, मतलब जो जनरली उनको लेके एक एक एरिया वाइज सबका बैटरी का चेकअप कर रहे हैं। मैं कल एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था हमारा सब्सक्राइबर के लेके गया बोल के, इस तरह आज जो हमारा ग्रुप पे भी काफ़ी आदमी चर्चा कर रहे हैं, स्कूटर को रिकॉल करके उसको रीचेकिंग कर रहे हैं, ये अच्छा बात है। कुछ भी कमी पेशी होगा तो पहले वो आइडेंटिफाई करके उसको चेक करके जो भी देने से और एक ब्लास्ट से हम लोग बच सकते हैं। ओला ने ये ब्लास्ट का इशू काफ़ी सीरियसली लिया हुआ है, एक्चुअली नहीं होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं होता है कुछ कह नहीं सकते, जो अच्छा अच्छा कंपनी का भी जो टेस्ला जैसा कार भी आग लग गया ये कह रहे सकते हैं बैटरी का मैनेजमेंट कैसे होता है। लेकिन इस तरह सबको बुला रहे हैं, बुला के सबको नहीं है, कुछ आदमी के लिए जगह जगह से बुला के उनको रीचेकिंग करके फिर वापस कर रहे हैं। यदि आप लोग का इस तरह करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, फिर हम लोग आगे कोई भी अपना सब्सक्राइबर के लिए हेल्प हो जाएगा। अभी कुछ डिलीवरी अपडेट्स आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो ओला ने बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो जनवरी वाला बैच फेब्रवरी वाला बैच को लगभग फाइनल पेमेंट होकर 3 महीने से वेट कर रहा है, लेकिन उनका अभी तक कुछ परसेंटेज फेब्रवरी में काफ़ी मात्रा में जो स्कूटर्स अभी भी डिलीवरी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं रिजल्ट जनवरी बैच का अभी भी 20% ज़्यादा मात्रा में बच गया, फेब्रवरी बैच में 12% है, मार्च वाला तो 69 है, ये तो सही है, मार्च वाला तो अभी 1 महीना हुआ पेमेंट करके, लेकिन ये जनवरी वाला बैच काफ़ी आदमी रिपीट मैसेज कर रहे हैं इनकी किस वजह से ओला ने डिलीवरी नहीं दिया। मेरा जहाँ तक भी सोर्स के हिसाब से जो आइडिया था, ओला का हमेशा डिलीवरी के संबंधित में काफ़ी कुछ मतलब लेट डिले होता करके पहले से इनका ऊपर एक बैड इंप्रेशन था, उसको दूर करने के लिए अभी जो बुकिंग किया हुआ होली वाला बैच में इसमें कुछ परसेंटेज आदमी के लिए 21-22 दिन के अंदर स्कूटर मिल गया। ये पब्लिक में एक अच्छा टॉक हो गया, जो भी नया स्कूटर बुक करते कब बुकिंग किया बोले से 21 दिन में पहले बुक किया तो एक अच्छा नाम हो जाता है, इसके चलते पीछे वाला को जो भी कस्टमर्स है उनको लेट किया हुआ है, अभी ये होने के बाद में अभी पीछे वाला कस्टमर्स को पूरा करेगा। कुछ आदमी का कुछ डॉक्यूमेंट इशू के चलते अभी भी रुका हुआ है, कुछ लोन सैंक्शन के लिए चलते अभी भी रुका हुआ है। इस तरह का लोन में लेता तो काफ़ी मुश्किल है ओला का सा स्कूटर लेना, आप पर्सनल लोन लेके डायरेक्ट पेमेंट करके ले लीजिए, आपका परफेक्ट हो जाएगा। अभी भी जो लोन हो जो होली वाला बैच में जो भी लोन सैंक्शन हो के काफ़ी कम आदमी को लोन सैंक्शन हुआ, लेकिन जो लिया हुआ है उनको काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहा है अभी तक,
किसी का साइन नहीं हुआ, किसी का अप्रूवल नहीं आया, ऐसा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है। आप लोग कोई नया आदमी स्कूटर लेना चाहते हो तो आप पहले से कहीं से आप बाहर से लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन, उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्कूटर को डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, यह आसान तरीका है। अभी रहा बात हो जो मार्च बैच है, काफ़ी आदमी इंतजार में, 70% के आसपास में अभी काफ़ी आदमी का जो इंश्योरेंस कॉपी मिल गया, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर OTP भी काफ़ी आदमी का हो रहा है। इनको मैं पहले ही बताया था नेक्स्ट वीक में इनका प्रोसेस डिलीवरी होगा, बीच में कुछ आदमी को जो बचा हुआ आदमी उनको करेगा। काफ़ी आदमी रिपीट रिपीट सवाल पूछता है, सर हमारा सिग्नेचर हो गया कितना दिन तक मिल जाएगा। वीडियो पूरा आप लोग देख लीजिए, सब कुछ मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर भी इतना सवाल 150-200 सवाल हो जाता है। आप लोग को जो इंश्योरेंस का कॉपी मिलने का सिग्नेचर होने के बाद में कई जगह 2-3 दिन में भी गाड़ी मिल जाती है, कई जगह 7 दिन में भी मिलता है, कई जगह 10 दिन भी लगता है। ये पूरा डिपेंडिंग है ना आपका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो चलता है उसी के ऊपर है। आप लोग थोड़ा पेशेंस ही करिए, इंतजार करिए। एक बार आपका इंश्योरेंस कॉपी मिल गया, OTP आ गया, सिग्नेचर के लिए भी आप बंदा आके ले लिया हो तो आपका आराम से मिल जाएगा। कोई 7 दिन लग जाएगा, कोई 6 दिन लग जाएगा, मिल जाएगा। कई आदमी को सिग्नेचर डिलीवरी के टाइम में भी लेते हैं, जैसा आंध्रा तेलंगाना में डिलीवरी के टाइम में भी सिग्नेचर लेते हैं, सिग्नेचर का पहले कोई बंदा आएगा नहीं। कई जगह कई रूल्स है, उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। काफ़ी आदमी अभी भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में सर क्या हिसाब किताब है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, उसी के चलते उत्तर प्रदेश को पहला वाला बैच भी, जनवरी बैच भी काफ़ी लेट हुआ, अभी भी आप लोग को लेट होने वाला। लेट का मतलब ज़्यादा दिन नहीं, जो नॉर्मल आदमी को जो मिलता है उससे 15-20 दिन लेट होने वाला। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी आदमी स्कूटर्स बुकिंग किया, लेकिन वहाँ डिलीवरी हमेशा भी पूर रहा, उनका भी डिलीवरी आपको मई का आसपास में मिल जाएगा। जो काफ़ी आदमी का मई डिस्पैच डेट करके लिखा हुआ है लेकिन उसका मई नहीं है, उसको पहले भी मिल जाएगा। स्कूटर का कैंसिलेशन काफ़ी मात्रा में हुआ, आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद में काफ़ी आदमी अपडेटिंग के लिए पूछ रहे, सर हम लोग का अपडेट आया नहीं, अपडेट 1.0.16 कोई खास अपडेट नहीं है, एक मतलब बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। काफ़ी आदमी का ये अपडेट करने के बाद में उसका जो MCB कंट्रोलर दोनों ख़राब हो रहा है, इसी के चलते आप थोड़े वेट करिए। ये अपडेट हम लोग का हाथ में नहीं है, एक्चुअली जो मैन्युअली करने के लिए ओला ने ओला का टीम को बताया था, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा करके। ये अपडेट जो भी ट्रिगर है आपका जो अपडेट करना नहीं करना, वो बेंगलुरु से ओला का पास है, जैसे वो मतलब आपको एक्टिवेट करेगा तो अपने आप अपडेट आ जाएगा। आपके लिए निश्चिंत रहिए। अभी काफ़ी आदमी पूछता था 2.0 कब आने वाला, 2.0 अप्रैल तक एंड तक आने वाला, लेकिन आएगा नहीं, आपको मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आने वाला, क्योंकि ऐप में बनाया हो तो सॉफ्टवेयर लेकिन काफ़ी कुछ बग्स है, अभी वाला पहले वाला सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हो रहा तो अभी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए अभी तक ये कुछ अपडेट्स था ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के संबंधित में, करीब मैं 200 का ऊपर वीडियो बना के रखा हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे में लिंक दिया हुआ मेन मेन वीडियोज़ का, वहाँ से देख सकते हैं। और एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट भी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्कार।